A very warm welcome, children. I, Shivani Kohli, from GGIC Rajpur, District Dehradun, welcome you all to Gandhi program of TD Uttarakhand. बच्चों, session start करने से पहले हम एक mind exercise करेंगे, जिससे आपका mind fresh हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से concentrate कर पाएंगे. तो आप सब अपनी back straight कर लें और eyes close कर लें. धीरे धीरे सांस अंदर लेंगे और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे. सो चिल्ड्रन, लेट्स क्लोज आर आईज. लंबी लंबी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ दें. इनहेल एक्सहेल. इनहेल एक्सहेल. इनहेल एक्सहेल. Inhale, exhale. बच्चों, आप सब अपनी आंखें खोल सकते हैं. इससे पहले के जो सेशंस हुए हैं बच्चों, आपने अपनी हनी सकल बुक के चैप्टर 8 पढ़ लिए हैं और मैं आपको चैप्टर 8 से आगे पढ़ाऊंगी. बच्चों, आज तक के सेशन में आपने हनी सकल बुक के चैप्टर्स 8 कर लिए हैं और मैं आपको आज हम लोग मिलके हनी सकल बुक की पोयम वोकेशन करेंगे. वोकेशन पोयम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है और इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बच्चे के मन के स्थिति के बारे में बताया है कि एक बच्चे का मन इतना कोमल होता है, इतना मासूम होता है बच्चा, एक बच्चा इतना इनोसेंट होता है कि वो जिनको भी मिलता है, जिनको भी देखता है, उनके जैसा बनना चाहता है, उनके जैसे अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता है, जिंदगी जीना चाहता है. तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ. वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय, प्रोफेशन. आप जिस कार्य को करते हैं, जिस प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, उसको हम वोकेशन कहते हैं. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by a lane. जब गोंग का मतलब होता है घंटी, जब घंटी बजती है और 10 बजते हैं तो मैं जो हूँ वो कहाँ जाता हूँ, स्कूल की तरफ. लेन का मतलब होता है गली, तो गली से मैं गुजरता हुआ स्कूल की तरफ जाता हूँ. और एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. तो मेरे को कौन मिलता है रास्ते में, एक हॉकर मिलता है. हॉकर हम किसे कहते हैं, जो फेरी वाला होता है उसे हम हॉकर कहते हैं. तो मुझे हॉकर मिलता है और वो क्या बेच रहा होता है, बैंगल्स. बैंगल्स किसे कहते हैं हम, चूड़ी को. तो क्रिस्टल बैंगल्स मतलब कांच की चूड़ियाँ. तो जो वो हॉकर है, जो वो फेरी वाला है, वो रोज क्या बेच रहा होता है, क्रिस्टल बैंगल्स, कांच की चूड़ियां. देर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन. उसको कोई जल्दी नहीं होती, हरी मतलब जल्दी, उसे कहीं भी जाने की जल्दी नहीं है. देर इज नो रोड ही मस्ट टेक. उसे कोई रोड, किसी पर्टिकुलर रोड पे नहीं जाना, एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं जाना, वो कोई सी भी रोड पे जा सकता है, कभी भी जा सकता है. नो प्लेस ही मस्ट गो टू. ना ही उसके लिए एक ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ उसे जाना है, रोज जाना है. No time when he must come home. और उसके घर आने का टाइम भी कुछ फिक्स नहीं है, वो कभी भी कहीं भी जा सकता है और कितने ही बजे घर आ सकता है. I wish I were a hawker. तो बच्चे को लगता है कि काश मैं भी एक हॉकर होता, काश मैं भी एक फेरी वाला बन सकता, कि जिसकी तरह मैं भी कहीं भी जा सकता था. ना जाने का टाइम है, ना आने का टाइम है, ना किसी पर्टिकुलर मुझे गली में जाना है, मैं कहीं भी घूम सकता था. स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. तो मैं भी पूरा दिन अपना रोड, रोड मतलब सड़क, सड़क पे बिता देता ऐसी बैंगल्स, क्रिस्टल्स, बैंगल्स बोलते बोलते और चूड़ियाँ
भेजते भेजते, वेन एट 4 इन द आफ्टरनून आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल. तो दिन में, आफ्टरनून मतलब दिन में, तो जब मैं दिन में 4 बजे घर आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड. तो मैं क्या देखता हूँ कि जो सामने वाला घर है उसके गेट के अंदर एक गार्डनर है. गार्डनर हमें किसे कहते हैं, गार्डनर एक माली होता है. डिगिंग द ग्राउंड, डिगिंग मतलब कि वो खुदाई करता है, खुदाई कर रहा है किसकी, ग्राउंड, ग्राउंड मतलब भूमि, जमीन की. तो वो गेट्स के अंदर देखता है तो देखता है कि एक जो गार्डनर है, जो एक माली है, वो ग्राउंड को डिग कर रहा है, खोद रहा है. ही डज व्हाट ही लाइक्स विद हिज स्पेड. तो उसका जो मन करता है वो उस कुदाल के साथ कर सकता है, जहां भी चाहे वहां खोद सकता है. तो स्पेड होता है कुदाल, तो उस कुदाल के साथ खोद रहा है. एंड ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट, डस्ट मतलब धूल. He soils his clothes with dust. तो वो क्या करता है, खोदते खोदते अपने कपड़े गंदे कर लेता है. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. Wet मतलब गीला. तो जब ये माली जो है वो खोद रहा है और अपने कपड़े गंदे कर रहा है और धूप में तप रहा है और क्या कर रहा है, अपने कपड़े गीले कर रहा है, लेकिन इस काम के लिए उसे कोई डांटता नहीं है, कोई रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है. और जो बच्चा होता है वो इतना प्रभावित हो जाता है इस गार्डनर से, दैट ही विशेस टू बी लाइक अ गार्डनर. आई विश आई वर अ गार्डनर. तो वो क्या चाहता है कि अब उसकी इच्छा हो गई कि वो क्या बन जाए, गार्डनर. क्यों बनना चाहता है वो गार्डनर, बिकॉज वो चाहता है कि वो भी एक गार्डनर की तरह, एक माली की तरह कहीं भी कुछ भी खोद सकता है, मिट्टी से खेल सकता है, पानी से खेल सकता है, अपने कपड़े गंदे कर सकता है. उसे कोई डांटने वाला नहीं है, उसे कोई टोकने वाला नहीं है. तो ही वॉन्ट्स टू बी अ गार्डनर डिगिंग अवे द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग. तो वो उसकी इच्छा गार्डनर बनने की इसलिए हो रही है कि ताकि वो जो है डिगिंग करे, और डिगिंग करते हुए अगर वो अपने कपड़े गंदे करता है या धूप में खेल रहा है या गीला हो रहा है, उसको कोई ना टोके ना उसे कोई डांटे और वो आराम से अपना खेल सके. तो जो बच्चे का मन है वो कितना चंचल है और कितना मासूम है कि पहले वो क्या बनना चाहता था, ही वॉन्टेड टू बी अ हॉकर, वो फेरी वाला बनना चाहता था. और जब उसने देखा कि हाँ फेरी वाला तो कहीं भी जा सकता है, उसे तो कोई डांटता नहीं है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी टाइम घर आए, घर आने की भी उसे चिंता नहीं है. और फिर जब वो देखता है कि एक गार्डनर है, वो तो मिट्टी में खेल रहा है और मिट्टी में खेल खेल कर वो अपने कपड़े गंदे कर रहा है और गीले भी कर रहा है, उसको कोई नहीं डांट रहा, तो ही वॉन्ट्स टू बी अ गार्डनर. जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड. तो जब रात शाम होती है और अंधेरा होने लग जाता है, डार्क मतलब अंधेरा, तो शाम के बाद जब अंधेरा होने लग जाता है और मम्मी कहती है कि अब भाई जब सोने का टाइम हो गया है, तो मदर जो है सेंड्स मी टू बेड. मम्मी मुझे कहाँ भेजती है, सोने के लिए बेड पे. आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन. तो मैं जो है अपनी खिड़की जो मेरी खुली है, मैं उससे देखता हूँ जो वॉचमैन है वो क्या कर रहा है, अप एंड डाउन चल रहा है. वॉचमैन कौन होता है, एक चौकीदार जो रात को हमारे घर की देखभाल करता है, जो सड़कों पे रहता है और देखता है कि कहीं कोई चोरी ना हो. तो वो अब वो वॉचमैन को देख रहा है एंड ही वॉन्ट्स टू बी लाइक अ वॉचमैन. वो अब क्या चाहता है कि मैं भी वॉचमैन की तरह बनूं. द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड. तो जो लेन है वो क्या, लेन मतलब गली, जो गली वो देख रहा है अपनी खिड़की से, वो कैसी है, वो डार्क है. डार्क मतलब अंधेरा है उस गली में. एंड लोनली, लोनली मतलब अकेली, वहाँ कोई नहीं है सड़क पे. एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स, तो स्ट्रीट लैम्प क्या होता है, सड़क पे जो खंभे लगे होते हैं जिन पर लाइट लगी होती है, वो दिख रहे हैं उसको. लाइक अ जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड. तो जो उसको स्ट्रीट लैम्प है वो उसको कैसा लग रहा है, एक जायंट की तरह. जायंट क्या होता है, एक विशाल का एक दानव की तरह लग रहा है उसको, जिसकी एक ही आंख है. और जो वो आंख है वो कैसी है, रेड आई, लाल आंख,
उसको ऐसा लग रहा है जैसे एक विशालकाय दानव खड़ा हुआ है जिसकी एक आंख लाल है, जिससे स्ट्रीट जो है रोशन हो रही है ना। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड। तो जो वॉचमैन है, वॉचमैन जो चौकीदार है, वो क्या करता है, उसके हाथ में क्या है, एक लैंटर्न। लैंटर्न किसे बोलते हैं, लालटेन। तो लालटेन उसके हाथ में है और वो स्विंग्स मतलब उसको झुला रहा है आगे पीछे हिलाता हुआ, और जो है वो सड़कों पे चल वो सड़क पे चल रहा है, और वो अप एंड डाउन सड़क पे ही इज वॉकिंग, वॉकिंग मतलब चल रहा है विद हिज शैडो एट हिज साइड। तो जब वो अंधेरे में लैंटर्न लेके चल रहा है तो उसका उसकी शैडो बन रही है। शैडो का मतलब क्या होता है, परछाई। तो उसकी जो है परछाई बनती जा रही है साइड में, और वो जो है लैंटर्न को हिलाते हिलाते धीरे धीरे अपना सड़क पे ऊपर नीचे चल रहा है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। एंड वो कभी भी अपनी लाइफ में कभी बेड नहीं गया, ही नेवर वॉन्ट्स टू स्लीप, वो कभी सोया नहीं। तो उसको लगता है कि वाह, मैं जो हूँ, मैं भी काश वॉचमैन बनता, तो अगर मैं भी वॉचमैन बन जाता तो मेरे को भी कोई सोने के लिए नहीं कहता, मुझे भी कोई नहीं कहता कि टाइम से आप बेड पे जाओ और सो जाओ। तो उसको वो लाइफ बहुत अच्छी लग रही है और वो अब जो है वॉचमैन बनना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ वॉचमैन। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडोज विद माई लैंटर्न। तो वो क्या कहता है कि आई विश आई वर अ वॉचमैन, मतलब मैं विश करता हूँ कि काश मैं भी एक वॉचमैन बनता, काश मैं भी एक चौकीदार बन जाता जो सड़क पे आराम से रात को घूमता रहता, चेजिंग द शेडोज विद माई लैंटर्न, और अपने शेडोज जो है, अपनी जो परछाई है, जो मेरी परछाई बनती रात में, मैं उसको चेज करता हुआ पीछा करता हुआ। चेजिंग मीन्स पीछा करना। तो वो उसका पीछा करते हुए आगे पीछे सड़क में दौड़ता रहता और मुझे कोई टोकने वाला नहीं होता। तो बच्चों फिर से एक बार एक रिकैप देखते हैं, हमने पूरी पोयम में क्या पढ़ा कि ये पोयम किसके बारे में है, एक बच्चे के बारे में है, जो बच्चा क्या करता है, स्कूल जा रहा है और स्कूल आते जाते वो कई लोगों को देखता है और उसके मन में उनको उसके मन में क्या फीलिंग्स आती हैं, क्या सोचता है वो उनके बारे में, उसके बारे में ये पोएट ने बताया है। आप लोग भी जब स्कूल जाते होंगे तो आप लोग भी कई लोगों से मिलते होंगे, देखते होंगे, और आपके मन में भी अलग अलग किस्म के ख्याल आते होंगे, विचार आते होंगे, आप कुछ सोचते होंगे उनके बारे में। तो इसी पे बेस्ड ये पोएम है कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है और उसको रास्ते में दो तीन लोग मिलते हैं जिनको देख के उसके मन में फीलिंग होती है कि मैं ऐसा बन जाता तो कैसे होता, या मैं वैसा बन जाता तो कैसे होता। तो पहले उसमें क्या बनना चाह रहा था, वो जो सबसे पहले किससे मिला, वो हॉकर से। तो जब वो हॉकर से मिला तो उसके मन में आया कि मैं भी एक हॉकर की तरह यहाँ वहाँ सड़क पे घूमता और बैंगल्स बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स चिल्लाता हुआ घूमता तो कितना मजा आता, ना तो घर जाने की चिंता है और ना घर से लौटने की चिंता है, ना किसी पर्टिकुलर सड़क पे जाने की चिंता है। और फिर उसके बाद उसको मिलता है एक गार्डनर, और वो जो गार्डनर है वो क्या कर रहा है, डिगिंग कर रहा है, ग्राउंड को डिग कर रहा है। और जब वो ग्राउंड को डिग कर रहा है तो उसको लगता है कि कितना लकी है ये तो मिट्टी में खेल रहा है, गीला भी हो रहा है, कपड़े गंदे भी हो रहे हैं और इसको डांट भी नहीं पिट रही। फिर तीसरा वो किससे मिलता है, एक वॉचमैन से, जिसको वो देखता है रात को कि अपनी खिड़की से कि जो वॉचमैन है वो रोड पे अप एंड डाउन कर रहा है और उसकी शैडो भी बन रही है और अपना लैंटर्न स्विंग करता हुआ जा रहा है और उसे बहुत अच्छा लग रहा है और उसको तो सोना पड़ रहा है, तो इसलिए वो एक वॉचमैन बनना चाहता है ताकि वो एक फ्री लाइफ जिए जहाँ उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चिल्ड्रन यहाँ आपकी पोएम फिनिश हो गई है और अब हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम। हु इज द स्पीकर इन द पोएम, स्पीकर मतलब पोएम कौन बोल रहा है, किसके ऊपर पोएम है। द स्पीकर इज अ लिटिल चाइल्ड हु गोज टू स्कूल, एक छोटा बच्चा जो स्कूल जा रहा है। हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स, तो हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स, द स्पीकर मीट्स अ हॉकर,
किसको मिलता है वो, एक हॉकर को, हु क्राइड बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो किसको मिलता है वो, एक हॉकर को जो क्या चिल्ला रहा होता है, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ही वॉच्ड अ गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। उसके बाद वो किसको मिलता है, हॉकर को मिलने के बाद वो एक गार्डनर को मिलता है, माली को देखता है। व्हेन इट गॉट डार्क एंड हिज मदर सेंट हिम टू बेड, थ्रू हिज विंडो ही सॉ द वॉचमैन। तो जब उसकी मम्मी उसको सोने के लिए भेजती है तो वो क्या देखता है विंडो से, एक वॉचमैन को। और जो वॉचमैन होता है वो क्या कर रहा होता है, वो वॉकिंग कर रहा होता है, चल रहा होता है स्ट्रीट पे, अप एंड डाउन। व्हाट विशेस डज द चाइल्ड इन द पोयम मेक, सो व्हाट विशेस डज द चाइल्ड इन द पोयम मेक, मतलब उसकी क्या विशेस हैं, विशेस मतलब क्या इच्छाएं हैं, बच्चा क्या विश करता है, तो बच्चा क्या क्या विश करता है वो हमें बताना है। और व्हाई डज द चाइल्ड वॉन्ट टू बी अ हॉकर, अ गार्डनर और अ वॉचमैन। तो व्हाई डज ही वॉन्ट टू बी अ हॉकर, वो क्यों एक हॉकर बनना चाहता है, एक गार्डनर बनना चाहता है और एक वॉचमैन बनना चाहता है। पिक आउट द लाइन्स इन ईच स्टैंजा, तो हर हर पैराग्राफ से हमें एक एक लाइन निकाल के बतानी है कि बच्चा ऐसा क्यों बनना चाहता है और कैसे हमें पता चला कि वो एक हॉकर, गार्डनर और एक वॉचमैन बनना चाहता है। द चाइल्ड इन द पोयम वॉन्ट्स टू बी अ हॉकर, अ गार्डनर एंड अ वॉचमैन। वो क्या क्या बनना चाहता है, एक हॉकर, एक गार्डनर और एक वॉचमैन। When he looks at the hawker, he wishes he could also spend his day on the road crying bangles, crystal bangles. तो पोएम में क्या लिखा था कि वो कैसे चिल्ला रहा था, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, और बच्चे के मन में क्या आया, ही फील्स दैट देर इज नथिंग टू हरी द हॉकर ऑन। बच्चे जो हॉकर था उसे कोई जल्दी नहीं थी घर जाने की, उसे कोई नो रोड ही मस्ट टेक, उसे कोई रोड नहीं लेनी थी, नो प्लेस ही मस्ट गो, उसे कोई जगह नहीं जाना था, एक पर्टिकुलर जगह उसे नहीं जाना था, एंड नो फिक्स टाइम ही मस्ट कम होम, और उसके घर आने का भी कोई फिक्स टाइम नहीं था। तो उसको लगा कि ये लाइफ तो बहुत ही अच्छी है और मुझे भी ऐसी ही लाइफ स्पेंड करनी है। तो ही फील्स दैट ही ऑल्सो वुड वॉन्ट टू बी अ हॉकर, इसलिए वह हॉकर बनना चाहता था। दीज आर द थिंग्स दैट ही कैनॉट डू हिमसेल्फ, मतलब वो ये सारी चीजें अपने आप नहीं कर सकता था और इसलिए इसलिए वो चाहता था कि जो मैं हूँ मैं एक हॉकर बन जाऊं, तो जब मैं हॉकर बन जाऊंगा तो मुझे कोई नहीं टोकेगा, मुझे कोई घर नहीं बुलाएगा जल्दी, और ना ही मुझे किसी, जैसे उसे रोज स्कूल टाइम से जाना होता है, स्कूल से वापस टाइम से आना होता है और टाइम से घर पहुंचने की जल्दी होती है, तो ये सब उसको नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए वो एक हॉकर बनना चाहता था। फिर वो जब घर आने वापस आने लगा तो देफो ही वॉन्ट्स टू बी अ हॉकर। नेक्स्ट जब वो ही विशेस ही वॉज अ गार्डनर, रास्ते में जब वो आता है तो उसे एक गार्डनर दिखता है जो क्या कर रहा होता है, गार्डन में जमीन खोद रहा होता है, और जब उसको देखता है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है, उससे काफी वो प्रभावित हो जाता है कि भाई गार्डनर तो ऐसा है कि मट्टी खोद रहा है अपने स्पेड से और उसको कोई डांटने वाला नहीं है, वो तो अपने कपड़े भी गंदे कर रहा है और अपने कपड़े गीले भी कर रहा है और बहुत देर तक मिट्टी में ही है, इतनी तेज धूप में बैठा हुआ है। तो उसको लगा कि जो गार्डनर है वो तो बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा है और मुझे तो स्कूल जाना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो मैं गार्डनर ही होता जो गार्डन में बैठकर अपनी मिट्टी, जमीन की मिट्टी खोदता तो मुझे कोई डांटता नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसकी मम्मी वगैरह उसको डांटेंगी कि आप भाई कपड़े गंदे करके आ गए हो, तो वो अपने कपड़े गंदे नहीं कर पाता था, खेल नहीं पाता था मिट्टी में। तो ही वॉन्टेड टू बी अ गार्डनर ताकि वो क्या कर सके, ही सॉइल्स
क्लोथ्स गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट. तो जैसे गार्डनर है, वो अपने कपड़े गंदे कर रहा है, धूप में बैठ रहा है, गीले कर रहा है, तो वो भी ऐसा कर सके. देयरफॉर इफ द चाइल्ड वॉज अ गार्डनर नो बडी वुड द चाइल्ड वॉज अ गार्डनर नो बडी वुड स्टॉप हिम फ्रॉम डिगिंग द ग्राउंड. तो वो अगर वो गार्डनर बन जाता तो उसको कोई भी नहीं रोकता गार्डन में डिगिंग करने से और मिट्टी में खेलने से. और अपना वो अपना कपड़े गंदे कर सकता था, अपने कपड़े गीले भी कर सकता था. फाइनली उसके बाद उसने क्या किया, घर गया तो फाइनली ही वॉन्ट्स टू बी अ वॉचमैन. फाइनली ही वॉन्ट्स टू बी अ वॉचमैन. तो वो क्या बनना चाहता है, एक वॉचमैन. और जब सो दैट ही कुड वॉक थ्रू डार्क एंड लोनली स्ट्रीट्स. किस लिए वो वॉचमैन बनना चाहता है, उसको जब वो घर आता है तो उसकी मम्मी उसको टाइम से खाना देना, टाइम से सोने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे जल्दी सुबह टाइम से स्कूल के लिए उठना भी है और स्कूल जाना है, और बच्चों का टाइम तो फिक्स ही होना चाहिए हर चीज का. इसलिए उसको लगा कि मैं जो हूँ, अगर मैं वॉचमैन बन जाता तो मुझे मम्मी बिस्तर में जाने के सोने के लिए नहीं कहती. एंड ही वॉन्टेड टू बी अ वॉचमैन, ताकि वो जो है क्या कर सके, सड़क पे आराम से घूम सके रात को अंधेरे में, और अकेले घूम सके. नहीं तो वो उसके साथ कोई ना कोई, कहीं जब वो कहीं बाहर जाएगा तो उसके साथ कोई ना कोई होता ही है बच्चों के साथ. तो वो अकेले घूमना चाहता था. तो उसने जब देखा कि वॉचमैन जो है वो तो अकेले घूम रहा है अंधेरी रातों में, उसको तो कोई सोने के लिए भी नहीं कह रहा, और मुझे जो है मेरी मम्मी सोने के लिए बोल रही है, तो इसलिए वो क्या है, एक वॉचमैन बनना चाहता था. और फिर क्या करना चाहता था, ऑल नाइट एंड नो बडी आस्क हिम टू गो टू बेड. और वो चाहता था कि वो रात भर जो है वो अपना सड़क पे घूमे और उसे कोई सोने के लिए ना कहे, और वो जो है आराम से घूमे. तो इसमें बच्चों पोयम में जो बच्चा है, जो वो बॉय है, वो तीन चीजें बनना चाहता है. क्या क्या बनना चाहता है, एक हॉकर, एक गार्डनर और एक वॉचमैन. उसका हॉकर बनने की इच्छा इसलिए होती है कि उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता आने जाने का, और जो गार्डनर है वो अपना कपड़े गंदे भी कर सकता है, पानी में गीला भी हो सकता है, मिट्टी से अपने कपड़े गंदे भी कर सकता है. तो उसे कोई नहीं डांटेगा, ना उसको घर आने के लिए कोई कहेगा जल्दी, ना उसको कपड़े गंदे करने के लिए कोई कहेगा. और बाद में जब वो रात को सोने से पहले अपनी खिड़की के पास जाके देखता है और देखता है कि वहाँ वॉचमैन है, तो उसको लगता है कि मैं वॉचमैन होता तो मुझे फिर सोने के लिए भी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती, मैं किसी भी टाइम सो सकता था, और मैं रात भर नहीं भी सोता तो मुझे कोई नहीं डांटता. तो बच्चों ऐसे ही आप लोग जब स्कूल आते जाते होंगे तो आप लोगों को भी बहुत लोग सड़क पे दिखते हैं, कुछ बेचते हुए या कुछ खरीदते हुए, तो आप लोगों के मन में भी इसी टाइप के कुछ ना कुछ ख्याल जरूर आते होंगे. वो आप अपने साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास में अपनी मैम के साथ जरूर शेयर करें. तो चिल्ड्रन, आज का आपका सेशन ओवर हो गया है, और जिन बच्चों का पहले के जो चैप्टर्स हैं उनके चैप्टर्स मिस हो गए हैं या क्वेश्चन आंसर्स नहीं देख पाए हैं, तो आपके दूरदर्शन के उत्तराखंड, दूरदर्शन उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पे आपको सारे अवेलेबल हैं. आपको जो भी चैप्टर देखना होगा आप अपना क्लास टाइप करें और अपने चैप्टर्स दोबारा से देख सकते हैं. थैंक यू.